यस भाइयों और बहनों, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, अगर तुमको मीडियम फीस में बेस्ट प्लेसमेंट वाला कॉलेज चाहिए तो इस वीडियो में बताऊंगा कुछ ऐसे कॉलेजेस जहां पे ऐसा ही है। क्या बात कर रहे? बहुत नॉर्मल फीस में बेस्ट प्लेसमेंट लगता है। एंड अगेन बोलूंगा, अगर तुमने एंट्रेंस नहीं दिया है या फिर एंट्रेंस में अच्छा रिजल्ट नहीं आया है लेकिन तुमको बेस्ट कॉलेज चाहिए जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, जहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा हो, एंड ऑब्वियसली लोकेशन अच्छा होना ही चाहिए, तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड यस, यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। ये कॉलेज दिल्ली NCR का वन ऑफ द फेमस कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट भी। यहाँ पे MBA का फीस अराउंड 2,60,000 रुपीज है और यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 58 LPA और एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है 4-5 LPA। ये कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, स्कूल वाली वाइब आएगी या मे भी हो सकता है तुमको अपना स्कूल भी याद आ जाए, बट यार पढ़ाई का माहौल एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। मे भी हो सकता है फैकल्टीज तुमको इतना पुश करे पढ़ने के लिए कि मे भी बोलो कि यार ज्यादा हो रहा है, मतलब पढ़ाई को लेकर सीरियस है ये कॉलेज। गलगोडियास यूनिवर्सिटी भी यार काफी फेमस यूनिवर्सिटी है और गलगोडियास का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। यहाँ पे भी MBA का फीस अराउंड 3 लाख रुपीज है। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 8 LPA और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे 4.2 LPA तक लग जाता है। कई स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंप्लेंट्स है यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट को लेकर, मैनेजमेंट यहाँ पे और बेटर हो सकता है, बट हाँ सारे फैसिलिटीज तुमको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पे। एंड यस ऑफकोर्स गलगोडियास कॉलेज ज्यादा बेटर है यूनिवर्सिटीज। इसे फाउंड किया गया था 1995 में। ये कॉलेज सबसे ज्यादा फोकस करती है बिजनेस स्टडीज, सेल्स एंड मार्केटिंग में। MBA का फीस अराउंड यहाँ पे 3,50,000 रुपीज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था 27 LPA और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाता है 5.5 LPA। ऑब्वियसली गाजियाबाद से अगर MBA करना चाहते हो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए मीडियम बजट में। ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा का टॉप 5 कॉलेज में आता है। इसको 2001 में फाउंड किया गया था और यहाँ पे MBA एंड PGDM दोनों कराया जाता है। MBA का फीस यहाँ पे अराउंड 3 लाख रुपीज है और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे जो लगा था 10 LPA था और एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 4.5 LPA तक लग जाता है। देखो यार, ये MBA के लिए अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हारा परसेंटाइल या रिजल्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आया है, बट एक बात बता दो, यहाँ पे फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज तुमको सारे मिलेंगे और प्लेसमेंट भी ओके टाइप की मिलता है। बट एक इशू है, यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, बाकी ओवरऑल एक बहुत बढ़िया कॉलेज है। इस यूनिवर्सिटी को 2018 में फाउंड किया गया था और इसने बहुत कम टाइम में अपना एक अलग ब्रांड बनाया है। एवरेज फीस में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चाहिए उत्तराखंड में, जस्ट डेफिनेटली ये एक ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए। यहाँ पे MBA का फीस अराउंड 3 लाख रुपीज है और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था 33 LPA और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था 5 LPA। मैं पर्सनली इस यूनिवर्सिटी को विजिट कर चुका हूँ यार, पोटेंशियल काफी अच्छा है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है और तुमको यहाँ फ्रीडम भी मिलेगा, बट एक चीज है, थोड़ा सा खुद से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, बाकी बहुत अच्छा कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज है यहाँ। इस बिजनेस स्कूल का अराउंड 20 इयर्स हो चुका है और इनका रेपुटेशन भी बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे भी MBA का फीस अराउंड 3 लाख रुपीज है, हाईएस्ट प्लेसमेंट था 22 LPA और एवरेज प्लेसमेंट 3-5 LPA तक लग जाता है। ये कॉलेज में तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, गुड कैंपस, बेटर ROI, ये सारे तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। बट RIT उत्तराखंड का वन ऑफ द फेमस कॉलेज है जिसे 2005 में फाउंड किया गया था और इनके पास 30 एकड़ का काफी ब्यूटीफुल कैंपस है। यहाँ पे MBA का टोटल फीस अराउंड 4,40,000 रुपीज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे लगा था 13 LPA और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाता है 4.5 LPA। एट द एंड यही बोलूंगा, अगर तुमको उत्तराखंड से पढ़ाई करना है और मीडियम बजट में पढ़ाई करना है, एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट चाहते हो जहाँ पे प्लेसमेंट ओके हो, देन डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया गया था 2002 में। इस कॉलेज का नाम मंगलमय है लेकिन सब कुछ मंगल यहाँ पे है नहीं, कुछ इश्यूज जरूर है जो बताऊंगा अभी बाद में। यहाँ पे MBA का फीस अराउंड 2,90,000 रुपीज है और एक बात बता दूं, इस कॉलेज का MBA +++ जो कराया जाता है डुअल स्पेशलाइजेशन वो बहुत अच्छा है यहाँ, बट उसका फीस थोड़ा हाई है। यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 37 LPA और एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाता है 4.2 LPA। सो तुम्हारे पास अगर यार बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं है लेकिन तुमको अबव एवरेज कॉलेज चाहिए जहाँ का पढ़ाई अच्छा हो, पढ़ाई का एनवायरनमेंट अच्छा हो, कंपनीज आती हो, यस पर वीक इस कॉलेज में कंपनीज आती है, रिकॉर्ड है इनका, सो अपॉर्चुनिटीज का कोई कमी होगा नहीं, एंड डेफिनेटली इसे अपना लिस्ट में रख सकते हैं।
ये कॉलेज भी ग्रेटर नोएडा का बेस्ट कॉलेज है, इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस कॉलेज है एंड यहाँ पे फोकस पढ़ाई होता है क्योंकि ज्यादा कोर्सेस यहाँ पे कराते नहीं। इसको फाउंड किया गया था 2006 में। यहाँ पे MBA का फीस है 2,20,000 रुपीज और यहाँ पे प्लेसमेंट रेट 85-90% है जो अच्छा है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 42 LPA लगा था कॉलेज का और एवरेज प्लेसमेंट 3-4 LPA तक है। सो ऑब्वियसली यार ग्रेटर नोएडा से अगर तुमको MBA करना है लॉ बजट में डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा ये भी स्ट्रिक्ट कॉलेज है और डिसिप्लिन भी काफी ज्यादा देखने को तुमको यहाँ पे मिलेगा एंड पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है ये कॉलेज। अब लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा ओवरऑल सारे कॉलेजेस का। सबसे पहले यार तुम लोग बताओ इस लिस्ट में और कौन कौन सा कॉलेजेस ऐड हो सकता है वो मुझे कमेंट करो, जाओ कमेंट करो अभी। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कोई क्वेरीज है अपने करियर को लेकर या फिर किसी कॉलेज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कॉन्टेक्ट करो। एंड अब आते हैं टॉपिक में। देखो यार अगेन मैं वही बोलूंगा, बजट तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है और तुम्हारा एंट्रेंस भी बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन एक अच्छा लोकेशन में तुमको कॉलेज चाहिए जहाँ का पढ़ाई अच्छा हो, फैकल्टीज अच्छे हो, रेपुटेशन अच्छा हो एंड ऑब्वियसली लोकेशन अच्छा हो, तो डेफिनेटली इनमें से एक कॉलेज को तुम कंसिडर कर सकते हो। और बाकी कोई डाउट है तो कमेंट करो एंड एट द एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे MBA बिजनेस रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पे हम ओपनली रिव्यू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बताते हैं। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।